दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, घरेलू उपाय। जो कि जैसे पेट बड़ा होता है हमारा, आजकल एक पेट बड़ा होने की आम समस्या हो चुकी है। जब देखो पेट बढ़ जाता है, किसी का भी बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम एक औषधि लेकर आए हैं जिसको हम तैयार करेंगे और बनाएंगे। और ये पेट की समस्या जो हमारे लिए एक मजाक बन चुकी है, जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमारा पेट कोई भी देखता है तो मजाक बनाता है, तो इसके लिए हमें अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसी औषधि लेकर आए हैं जिससे आपका पेट एकदम छूमंतर एकदम गायब हो जाएगा। और इसके लिए हम एक औषधि लेकर आए हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पहले जान लेते हैं, फिर इसको बनाने की विधि बताएंगे और फिर इसके सेवन की विधि बताएंगे। और इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए ये देखिए, ये नींबू, ये शहद, हनी और ये पानी। अब हम क्या करते हैं, नींबू काट लेते हैं, और जैसे ही हम नींबू काटते हैं पहले इनको धोते हैं, धोने के बाद फिर काटते हैं। ये हमने धो करके रखे हुए, ये देखिए इनको अच्छे से काटना है। चार पांच पीस बना लेते हैं एक नींबू के, और ना ही इनका बीज निकालना है और ना ही इनका छिलका निकालना है, ऐसे ही इनको काटना है ऐसे। और ऐसे इनको काटते हैं, और इनका बीज, जैसे इनका बीज होता है और छिलका होता है, इसको तो हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं फेंकना क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है। और ऐसे नींबू काट लेते हैं, ऐसे सारे काटने, और आपका पेट एकदम बिल्कुल छूमंतर ऐसे हो जाएगा जैसे आपका पेट था ही नहीं, और आप शांत से घूमिए। लेकिन ये औषधि पहले तैयार करनी है, आप ध्यान से देख लीजिए। और देखिए ऐसे ही सारे नींबू काट लेने, हमारे नींबू एकदम कट कर तैयार है। अब हम इसकी औषधि तैयार करते हैं। देखिए अब हमारे नींबू ऐसे एकदम कट चुके हैं, अब हम औषधि बनाने की विधि बताते हैं कैसे बनाते हैं। ये देखिए एक बर्तन लेते हैं और गैस पर रख लेते हैं। अब इसमें हम नींबू डालते हैं कटे हुए, नींबू डालने के बाद हम इसमें पानी डालते हैं, और पानी ऐसे डालना है जिससे ही नींबू डूब जाए, नींबू एकदम डूबना चाहिए। ये देखिए हमारे नींबू एकदम डूब चुके हैं, ये देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं और अच्छे से उबालते हैं। जब तक नींबू गल नहीं जाता तब तक हम इसको उबालते हैं। देखिए हमने नींबू गलने के लिए रखे हुए थे, अब देखते हैं हमारे नींबू उबल चुके हैं या नहीं, थोड़ा से चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए हमारे नींबू बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इनको गैस से उतार देते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए इनको ऐसे एक थाली के अंदर निकालते हैं, थाली के अंदर निकालने के बाद इनको ऐसे फैला देते हैं अच्छे, ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के लिए ऐसे रखते हैं इसको, इसको बिल्कुल ठंडा करते हैं एकदम ठंडा। जब तक ये ठंडा नहीं होता इसको ऐसे ही रखते हैं। और फिर इसकी औषधि तैयार करने की विधि बताते हैं। और ये बिल्कुल ठंडा होने के बाद, जब ठंडा होगा तभी इसकी औषधि तैयार होगी, अगर हम गर्म में इसकी औषधि बनाएंगे तो ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठंडा करना है इसको अच्छे से,
अब देखिए हमारे नींबू अब ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अब हम इनको ग्राइंडर करते हैं, इनको ग्राइंडर के अंदर डाल लेते हैं। बीज बार सारे इसी के अंदर डाल देने हैं। ग्राइंडर के अंदर इसको बंद कर देते हैं और अच्छे से अब ये देखिए हमारे नींबू एकदम बारीक हो चुके हैं जो हमने ग्राइंडर के अंदर मिक्स किए हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और जैसे ही हमने शहद कटोरी के अंदर डाला है जितना ये शहद है इतना ही हमने नींबू का पेस्ट लेना है। ये देखिए बराबर मात्रा में रखना है, ना ही कम और ना ही ज़्यादा। ये देखिए बराबर मात्रा में दोनों ऐसे लेते हैं और फिर इसमें शहद मिला देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ऐसे और इसमें हम थोड़ा काला नमक डालते हैं। अब इसमें हम थोड़ा काला नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं ऐसे। और जैसे ही हमारे पेस्ट बच चुका है इसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े जैसे ये ख़त्म हो जाता तो वैसे ही शहद ला करके फिर से मिला सकते हैं। अब ये हमारी औषधि बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके सेवन की विधि बताते हैं कि इसको सेवन कैसे करना है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक गिलास गुनगुना पानी, गुनगुना करने के बाद उसको हम पी लेते हैं। वो पीने के बाद हम ये दो चम्मच लेते हैं और ऐसे ही बिना पानी के इसको खाते हैं। दो चम्मच खाने के बाद कम से कम भी एक घंटा हमें कुछ नहीं खाना, एक घंटे के बाद हम जो मर्जी खा सकते हैं। और कम से कम भी 8 दिन 10 दिन के बाद आप देखिए आपके पेट में कितना फर्क आता है। आपका पेट एकदम शुमंतर एकदम प्लेन हो जाएगा। और आप देखिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो और इसको हम बाद में जैसे ही हमारी औषधि बचती है इसको हम एक जार के अंदर डाल देते हैं और जार में डालने के बाद फ्रिज में रखते हैं। इसको फ्रिज में ही रखना, फ्रिज से बाहर नहीं रखना। और जब इसका उपयोग करना हो निकालो और फिर फ्रिज में रख दो। अब हमारी बची हुई औषधि को हम फ्रिज में रख देते हैं और जैसे ही पेस्ट बचा हुआ है इसको भी हम फ्रिज में रखते हैं, इसको भी जार के अंदर रख देते हैं। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कल हम एक नई औषधि के साथ फिर से आएंगे। और आप देखते रहिए और नई नई जानकारी पाते रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी दोस्तों।